अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपको खुश आमदीद मेरे चैनल बर्ड्स इन्फो पर। तो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हूँ हाजिर। आज की हमारी इस वीडियो की जो टॉपिक है वो हमारे यानी कि रिलेटेड बर्ड्स रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा हम इसमें जिक्र करेंगे बर्ड्स का, यानी कि 10-20%, नहीं तो ज़्यादातर हमारे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। तो बताता हूँ उस टॉपिक के बारे में कि आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से, ठीक है। कि बर्ड्स जब हमारे ब्रीड पर आते हैं, हम जिस तरह अगर ये रॉयरिंग ने बात की तो ये वाइल्ड में होते हैं, वाइल्ड में इनके जब बर्ड ब्रीडिंग करीब आती है तो इन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इनके बाहरी जंगलों में होते हैं तो इनके विटामिन कैल्शियम सब कुछ पूरे होते हैं तो ये ब्रीड पर आ जाते हैं। हम जब अपने घरों में रखे होते हैं तो हमें जो है इनके विटामिन मिनरल सप्लीमेंट वगैरह और कैल्शियम वगैरह पूरे करने पड़ते हैं, ठीक है। बर्ड्स को हीट पर लाना पड़ता है, ग़ज़ाएँ देनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है जो बर्ड है वो ब्रीडिंग की तरफ मतवज्जो होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूज़ करवाते हैं यानी कि कुदरती चीज़ों का, ठीक है, सब्ज़ियों वगैरह का, ठीक है, फल वगैरह का ज़्यादा यूज़ कराते हैं ब्रीडिंग सीज़न में, ठीक है। आम सीज़न में भी यानी कि समर सीज़न में भी कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इनका वो होता है ब्रीडिंग सीज़न में, ठीक है। अच्छा, अब दो में सब्ज़ियाँ जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा भी, अपने बर्ड्स को यूज़ कराऊँगा भी, ठीक है। इसको काश्त करने का तरीका आप अपने घर में भी किसी गमले में भी लगा सकते हैं, किसी तरीके से भी लगा सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी अगर लंबी हो जाए तो माजरे चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज के जो थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो फुल इंफॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेशन बर्ड्स के हवाले से, बड़े बर्ड जो है हमारे पास रॉयल नेक ग्रे वगैरह हैं, इनके लिए फुल जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दो सब्ज़ियाँ हैं बर्ड्स की ब्रीडिंग के हवाले से, कैल्शियम वगैरह, ठीक है, उसके बाद विटामिन मिनरल सप्लीमेंट से भरपूर ग़ज़ाएँ हैं वो, ठीक है। पहली है पालक और दूसरी है लूसन, जिसे हम अगर उर्दू में लूसन बोलते हैं, ठीक है, अगर गांव देहात की ज़ुबान में बोलें तो हम उसे शटाला भी कहते हैं, एंड अगर इंग्लिश में बात करें तो उसे कहते हैं अल्फा अल्फा, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे, पालक भी आप देख सकते हैं इसकी कोई यानी कि ये फ़ायदा ही देगा नुकसान ही देगा, लेकिन इससे जो ज़्यादा हमारे पास है वो है लूसन वगैरह, ठीक है। तो बात करेंगे हम, मैंने आज ही अभी यानी कि अब सुबह के टाइम मैंने वो लगाए हैं अपने घर में क्यारियों में, उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, उनके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे फुल आज हम पालक और लूसन के बारे में बात करेंगे, क्या वो आपके बर्ड्स को कैसे वो क्या क्या गज़ायत देती है, ठीक है, विटामिन मिनरल्स कैसे प्रोवाइड करती है फुल, ठीक है, रिंग नेक रॉ, ठीक है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा बर्ड है जैसा भी है वो आपके बर्ड्स को फुल एक ब्रीडिंग सीजन की तरफ माइल करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी जहाँ पर मैंने उन्हें लगाया हुआ है जिन क्यारियों में, मैं उस तरफ लेके जाता हूँ ब्रीडिंग, ये जो मेरा सेटअप है यहाँ पर मैंने नहीं लगाया, पर जैसे आप ये देख सकते हैं मेरे पास फुल ये यानी कि गमले शमले लगे हुए हैं, तो मैं उन क्यारियों के पास लेके जाता हूँ जहाँ पर मैंने इन्हें लगाया है।